हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नकवी टोस्टर। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के बारे से है। और उससे क्वेश्चन कर रहे थे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कि AMDC की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की जो एडमिशन की डेट्स हैं वो मैंशन की गई हैं, और इसके अलावा जो BDS की जो डेट्स हैं वो मैंशन की गई हैं। तो क्या उन्हीं डेट्स पर एडमिशन ओपन होंगे, और जो PMC की तरफ से नोटिफिकेशन आना है या UHS की तरफ से जो डेट्स अनाउंस की जानी है एडमिशन्स के हवाले से, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे तमाम मेडिकल कॉलेजेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है। आप लोग पर्सनली हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर्सनली आप लोग हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसने 500 जिसके चार्जेस हैं, आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स MTCAT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको हम ऑनलाइन अकेडमी का जो है लॉगिन देंगे 10,000 में। आप लोग वो लॉगिन लेके तमाम वीडियोज़ किसी भी टाइम देख के अपने MTCAT की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारे सामने AMDC की तरफ से नोटिफिकेशन है, जिसमें अक्सर सिंह मेडिकल कॉलेज लाहौर एंड अक्सर सिंह मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, और जिसमें मेंशन है कि MBBS की 150 सीट्स हैं लाहौर कैंपस में और PDS की 75 सीट्स हैं। आई थिंक पहले इसमें 50 सीट्स थी BDS की, अब इसमें BDS की जो सीट्स हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं, जो कि 75 सीट्स हैं फॉर BDS लाहौर कैंपस में। और जो रावलपिंडी कैंपस है उसमें सिर्फ MBBS है, तो उसमें सिर्फ जो है वो 100 सीट्स हैं MBBS की, BDS इसमें ओपन नहीं है। तो एडमिशन ओपन इन MBBS एंड BDS, वो कहते हैं कि MBBS BDS की एडमिशन ओपन है, और 5-star लिविंग फॉर आल पाकिस्तानी ओवरसीज स्टूडेंट्स। और ये इन्होंने डेट्स वगैरह मेंशन की हुई हैं कि आल पाकिस्तानी एंड ओवरसीज स्टूडेंट्स कैन अप्लाई टू ऑनलाइन UHS पोर्टल बिटवीन 5th to 19th of November फॉर MBBS। तो MBBS के लिए आप 5 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, और तमाम पाकिस्तानी ओवरसीज स्टूडेंट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं UHS के पोर्टल पर बिटवीन 5th December to 19th of December BDS के लिए। तो आप लोग एक चीज़ ये भी देख लें कि मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन खुद नहीं होंगे, वो कौन UHS के पोर्टल पे अप्लाई करेंगे, ये डेट्स उन्होंने मेंशन की। हालांकि UHS की तरफ से कोई नोटिफिकेशन इस तरह का नहीं आया, ठीक है। तो अब ये है, ये जो पुराना नोटिफिकेशन था कि 5 नवंबर से MBBS के एडमिशन स्टार्ट होंगे प्राइवेट कॉलेजेस में और 5 दिसंबर से BDS के, तो ये नोटिफिकेशन उन्होंने उस हवाले से बना के अपलोड किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये डेट्स पहले वाली हैं जो PMDC की तरफ से या UHS की तरफ से अनाउंस की गई थी, ये डेट्स वो हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली सी बात है, नोटिफिकेशन UHS ने फिर दिया ही था कि अब जो है एडमिशन वो पोस्टपोन हो चुके हैं, डिले हो चुके हैं, अनटिल के जो नोटिस आ जाए कोर्ट की तरफ से। अब कोर्ट की तरफ से नोटिस वगैरह अपलोड हो रही हैं कि भाई जो है MDCAT अगेन हो जाएगा, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का या सिंध का, ठीक है, MDCAT अगेन होना चाहिए। तो उसकी डेट भी वो अपलोड मैंने ख्याल उन्होंने कर दिया कि इस डेट पे जो है वो हो जाएगा जो है एडमिशन्स जो है वो सॉरी MDCAT रिकंडक्ट होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन आया कि रिकंडक्ट MDCAT के बाद होंगे या पहले होंगे, और क्वेश्चन ये भी है कि क्या कि UHS का MDCAT रिकंडक्ट होगा। भाई UHS का MDCAT रिकंडक्ट नहीं होना, और ये चांसेस हैं इसमें कि रिकंडक्ट जो हो रहा है सिंध में या शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उस वहाँ तक आपके एडमिशन ओपन ना हो जब तक रिकंडक्ट ना हो जाए, ठीक है। बट ये भी चांसेस हैं कि पहले एडमिशन ओपन हो जाएं और फिर जो बाकी स्टूडेंट्स जो सिंध वाले हैं उनको एक ऑप्शन दिया जाए कि आप लोग बाद में, आप लोगों के लिए हम एक पोर्टल ओपन करेंगे जिसके थ्रू आप अगेन अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह भी हो सकता है, इस सीन में वो दोबारा एडमिशन ओपन कर सकते हैं। पहले एक तो आप लोगों के लिए UHS के स्टूडेंट्स के लिए पहले ओपन कर देंगे, फिर उन स्टूडेंट्स के लिए, जस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए होगा, वो बाद में उनके लिए ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये है कि जितना मुझे लगता है कि 1 वीक के अंदर UHS को नोटिफिकेशन देना चाहिए इस हवाले से, एडमिशन्स के हवाले से, और इतने लेट भी एडमिशन्स नहीं करने चाहिए। दिसंबर में जाके एडमिशन्स वो ओपन करेंगे, फिर वो अप्लाई होगा, फिर क्लासेस कब स्टार्ट होंगे, तो पूरा सेशन जो है वो लेट हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि एडमिशन आप लोगों के पहले ओपन हो जाएंगे इस मंथ के, जो नया मंथ भी आने वाला है नवंबर, इसके मिड तक एडमिशन ओपन हो जाने चाहिए। तो इंशाल्लाह 1 वीक में UHS की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा, होपफुल हम हैं कि नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। तो अजान हो रही है, हम वीडियो को यहाँ एंड करते हैं।
लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो स्टूडेंट्स हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो इंस्टा पर जाके हमसे कॉन्टैक्ट करें, 500 में आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो है AMDC के कुछ हॉस्पिटल्स हैं, इसके 6-7 हॉस्पिटल्स हैं, लाहौर के इसके 5 हैं, फरूक हॉस्पिटल है वेस्टवुड में, एक इकबाल टाउन में है, DHA में एक है, और अक्सर से ट्रस्ट हॉस्पिटल EME में है, और ये डॉक्टर हॉस्पिटल, ये लाहौर के 5 हॉस्पिटल्स हैं। इन तमाम में हम जाते हैं, हमें जो है प्रैक्टिस सिखाई जाती है। और ये 2 इस्लामाबाद में हैं, ये वाला फरूक हॉस्पिटल इस्लामाबाद ब्रांच है और फरूक हॉस्पिटल जो है मरी एक्सप्रेस वे पे है, ठीक है ये वाला। तो बाकी हम बाद में चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।